सर्दी का मौसम चल रहा है तो गरम गरम मेथी के पराठे तो बनते ही है। तो मैं आज बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम सामान में एकदम टेस्टी टेस्टी पराठे की रेसिपी बताऊंगी। सच में मेथी के पराठे आप मेरे बताए हुए रेसिपी से बनाओगे तो बस खाते ही रह जाओगे। इतने सॉफ्ट और टेस्ट में तो पूछो ही मत। और सर्दियों में तो बहुत ही हरी भरी मेथी की सब्जी आती है और खाने में भी बहुत ही हेल्दी होती है, तो क्यों ना इस सर्दी के मौसम में यह टेस्टी टेस्टी हेल्दी पराठे बनाए जाए। और यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए यह टेस्टी टेस्टी पराठे बनाना शुरू करते हैं। मेथी के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए हरी भरी मेथी। तो मैंने एकदम फ्रेश मेथी लेके उसको अच्छे से साफ़ किया है, फिर धो के इसे इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया है। पराठों के लिए हमें एकदम बारीक कट की हुई मेथी चाहिए, तो हमने एक बाउल भर के यहाँ पर मेथी ली है। तो अब इसका आटा गूंथेंगे। तो एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें 200 ग्राम गेहूं का आटा डालेंगे। आपके घर में मेंबर के हिसाब से आप आटा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और 200 ग्राम आटे से 10 पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इस आटे में बारीक कट की हुई सारी मेथी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी मेथी को डाल दिया है। अब पराठों को बहुत ही अच्छा टेस्ट आने के लिए इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच कलौंजी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास हो तो डालें या स्किप भी कर सकते हैं। एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच राई जीरा, 8 से 10 लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च और अदरक को कद्दूकस किया है, इसको भी डाल देंगे। खूब सारा फ्रेश हरा धनिया, इनको भी बारीक बारीक कट कर लिया है, इनको भी डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच देसी घी। इससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल के सभी को एक बार हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने पहला मेथी को धो लिया था इसलिए उसमें थोड़ा पानी था, तो अब यहाँ पर मिक्स करेंगे तो पता चलेगा कि आगे हमें पानी की कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर पराठे के आटे के लिए हम थोड़ा गुनगुना पानी डाल के इसका चपाती जैसा मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। यह पराठे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और गर्म पानी डालने से जो पराठे बनेंगे इतने सॉफ्ट बनेंगे कि पूछो मत। तो यहाँ पर हमने आटा गूंथ लिया है और हाथों को थोड़ा घी लगा के इसे एक बार अच्छे से सेट करेंगे। तो आटा हमारा रेडी है, अब हम पराठे बना लेते हैं। अब चकला और सूखा आटा लेंगे। तो सबसे पहले इस आटे में से चपाती के जितनी लोई लेंगे। आपको पराठा छोटा या बड़ा चाहिए उसी हिसाब से डो ले सकते हैं। अब लोई को थोड़ा सूखे आटे में लपेटकर इसे हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पराठा बेल लिया है, पर यह दिखने में गोल नहीं दिख रहा है, तो हम इस पर इस तरह प्लेट से गोल बनाएंगे। यह ट्रिक बहुत ही आसान है और पराठे दिखने में भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं एक जैसे, और सब दंग रह जाएंगे कि इतने अच्छे एक जैसे गोल गोल पराठे कैसे बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोल गोल पराठा बनकर तैयार है और अब हम इसको हल्के गर्म तवे पर सेकेंगे। पहले हम इसे बिना घी लगा के दोनों साइड से ऐसे ही सेक लेंगे। दोनों साइड से इस तरह हल्के हल्के सेकने के बाद इस पर हम घी लगाएंगे, क्योंकि घी के बिना तो पराठा अधूरा है। और आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर आप इस स्टेज पर लगाएंगे तो वो पूरा जल जाएगा। बटर का मजा तो पराठे सेकने के बाद ही आता है।
तो दोबारा हम इसे पलट लेते हैं और दोबारा इस पर घी लगाएंगे। तो इस तरह मीडियम फ्लेम पर पराठों को धीरे धीरे घी लगा के सेके तो पराठे दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो पूछो ही मत, इसका कोई जवाब ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे बढ़िया मेथी के पराठे बनकर तैयार है। तो बस सारे पराठों को इसी तरह बनाते जाए और सर्व करते जाए। तो यहाँ पर मैं दूसरा पराठा भी आपको बनाना बताती हूँ। और फिर से तवे पर मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। पहला घी नहीं लगाना है, दोनों साइड से पहला इसी तरह हल्का हल्का सेक लेना है। फिर इस पर इस तरह दोनों साइड से घी लगाएंगे। और इस तरह चम्मच से दबाते जाएंगे ताकि पराठा सारी तरह एक जैसा सिक जाए और पराठा दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने दूसरा भी पराठा बना लिया है। तो इसी तरह गरम गरम पराठे बनाते जाए और सर्व करते जाए, क्योंकि पराठे गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। आप देख सकते हैं हमने सारे पराठे बना लिए हैं और कितने गोल गोल बन गए हैं। और इसका सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं और सच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारे घर में तो ये पराठे चट चट ख़त्म हो गए। और आप भी इस सर्दी के मौसम में यह गर्मा गर्म पराठे बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। और आपके पराठे कैसे बने मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और आप जब सफ़र में जा रहे हैं तो यह आप ले जा सकते हैं। एकदम सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं बनेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।